हाथ उखड़ गए आप, शिक्षा में तो धक्का खा रहे, समझ रहे। और किसान धरना प्रदर्शन कर रहा, वहाँ कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कहाँ तक दिल्ली तक किसान पहुँचा, कितने लोग मरे उसमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आपको पता है। तो ये चीज़ें सब मद्देनजर रखते हुए आपको ये देखना है कि कौन सी सरकार इस समय लानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपको, आज जो पोजीशन है किसान की वो क्या कल थी। आज महामारी में, एक कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें आदि वैसे भी मरा पड़ा है, एक तरफ से पेट्रोल और डीजल गैस रसोई ये चीज़ को महंगाई कर रहे हैं। इस समय तो उन्हें सस्ता करना चाहिए था। गेहूँ 2200 था, आज 1500-1600 रुपये गेहूँ कर दिया गया, ये क्या है? किसान को क्या लाभ मिल रहा? मोदी जी ने कहा था हम बुलेट ट्रेन चलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कहाँ बुलेट ट्रेन गई? क्या यही आपकी देन है? हमें आप बताइए, आप निजीकरण करवा रहे हो रेलवे? हाँ, सब क्या जब निजीकरण हो जाएगा रेलवे का, तो क्या ऐसे ओबीसी के लड़के उसमें नौकरी कर पाएंगे? उसमें पूंजीपति काम है, पैसे वाले लोग खरीदेंगे उसको, और उसके बाद वो अपने ही, हाँ अपने ही वो लगवा के और सब लोगों झाड़ू पे पोछा लगवा देंगे। बाद बाकी क्या हो रहा बताइए आप। तो इससे बढ़िया ये है कि अब की बार 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है, ये हम सब लोग प्रण करें। आज कई चीज़ें हैं ऐसी, कई मुद्दे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी नहीं निभा पाए। आज कई चीज़ें हैं ऐसी, समझ रहे, शिक्षा पूरी लॉकडाउन में, ये क्या चुनाव हुआ था बिहार का, उसमें तुमने कोई प्रतिबंध नहीं किया, शिक्षा रोक रखी है बच्चों की, 5 साल की 5 साल की जिसकी पढ़ाई बर्बाद हो पड़ी है, 1 साल पढ़ने नहीं गया बच्चा, पीछे वाला सब भूल, बताओ आप। वही तो नहीं, आदमी ने वोट इसलिए दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है आपके? आप बताइए, अब आप बताओ, बसपा और सपा गठबंधन का एक मारे बहुत, हाँ सिर्फ गोरखपुर की सीट जो निकली है थी जाबजस बहुत हुई, और बाको खामियाजा भुगतता हूँ करो, सही बात है नाराज हुए तो वोट वही दे दिया, इसलिए पूर्णिया सरकार बना दी। जब पूर्णिया सरकार बनी तो उन लोगों ने समझ लिया कि हम भाई बहुत कुछ हो गए, अब जनता कोई चीज ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अमन त्रिवेदी, खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं एमआरयू इंडिया टीवी। आज हम जीरो ग्राउंड से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, जो ग्राम पंचायत बहादुरपुर से ककोर मुख्यालय से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत बहादुरपुर शहर स्थित, जो कि आज यहां पर रवि भैया जी आए हैं, आइए आज इनसे बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर सियासत बहुत गर्मा रही है और उसमें सियासत बहुत तेज हो रही है, आज हम बात करते हैं। जी रवि जी, आप बताइए, हिंदुत्व को लेकर जो जेपी भी अपना एक वो कर रही है, और इधर मायावती जी भी कर रही है, और इधर समाजवादी पार्टी जनता से मिलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और हर चीज पर लुभाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें आप बताइए सर रवि जी, आप जो 2022 में आप कितनी मेहनत करना चाहेंगे, कितनी सीटें लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हिंदुत्व की बात रही अगर तो हिंदुत्व तो पहले से चला आया है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ पहले राज करते रहे, तो ये तो एक इनका बहाना है, ये कुछ भी समझो वोट का चक्कर है कि हम मुसलमान को वरीदा नहीं देंगे या कुछ भी समझो। हम लोग सब साथ में रहते रहे तो आज क्या दिक्कत, साथ में रहेंगे हम लोग। और जो सीट की बात है, जो सीट की बात रही है, तो इस बार अखिलेश यादव जी के लिए इतनी सीटें लाएंगे, हम लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, समय गांव भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपकी बात जो आपने कहा है वो आगे आने वाले 2022 के चुनाव में पता चल लगेगा कि क्या होने वाला है, 2022 का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन सही रहेगा, ये बात जनता तय करेगी, ये बात हम नहीं तय करेंगे। और सर ये कह रहे हैं आरएसएस के छठे सरसंचालक मोहन भागवत जो हैं, राष्ट्र के जो छठे सरसंचालक हैं, आरएसएस के छठे सरसंचालक, उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं,
तो सर उस पर हम देख रहे हैं 2022 के चुनाव में सियासत तेज हो रही है, इस पर आप देखिए हिंदू और मुसलमान अलग कब थे, हमेशा साथ में, ये तो राजनीति लोग खेल रहे उनके साथ में, वोट ले रहे राजनीति करके कि हम हिंदू मुसलमान हमारा है, कोई कह रहा हिंदू हमारा है, कोई कह रहा हम मुसलमान को नहीं चाहते, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये राजनीति सिर्फ वोटों के लिए है, बात बाकी तो इस दुनिया में सबको रहना है, इस भारत इंडिया में सबको रहना है। अच्छा सर ये बताइए 2022 में कितनी सीटें लाने की समाजवादी पार्टी पूरी के लिए, हम अबकी बार 300 पार सीटें लेके आए, पूर्ण बहुमत। चलिए चलिए पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी ऐसा रवि भैया ने वादा भी किया और कहा है कि 300 से मतलब 300 सीटें लाने का पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में क्या होता है, इसी के लिए आप लोग देखते रहेगा MRU इंडिया TV, खबरों की अपडेट बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।